बहुत ही सम्मान में कृतज्ञता और प्रणाम में बहुत ही कारण पहनों और भाई। पहली बात तो ये है कि मुझे इस बात का खेद है कि मैं मराठी नहीं जानता, मेरे को ज्यादा समझ भी नहीं लगी क्या बोले हैं, इसलिए मैं मराठी में बात नहीं कर सकता। ये मेरी मजबूरी है, मैं हिंदी में बात करूंगा। अगर मैं पंजाबी में करूंगा तो आपके कुछ पते होगा। वैसे मेरा जी तो नहीं करता था जैसे आपने क्या कहा, मेरे को समझ ही नहीं आने दिया। मैं भी आपको पंजाबी में ऐसा बोलूं कि आपको पते ही ना चले कि मैं क्या कहना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। करीब एक वर्ष होने जा रहा है किसान आंदोलन को दिल्ली की द्रोहों पर बैठे। पहले करीब 3 महीने इसकी एक्सरसाइज पंजाब में हुई और पंजाब वालों का तो समाधान हो गया, दिल्ली वाले को उनका करीब इस सभी नौकर को साल हो जाएगा। तो 3 महीने जो पंजाब में पहले एक्सरसाइज हुई थी वो क्या हुई, वो यही था कि जब ये 3 करोड़ आए कोरोना काल के दौरान, कानून ही उस समय सरकार ने ऑर्डिनेंस ही ले आए थे कानून बनाने की, उन्होंने जो त्रुटि नहीं थी समझी। जब ये 3 ऑर्डिनेंस आए तो पंजाब के फार्मर को ये पता लगा सबसे पहले कि अब ये हमारे पास जमीन भी नहीं रहने देंगे। पहले इन्होंने हमारे से हमारी मिट्टी की उर्वरता छीन ली, उसका उपजाऊपन छीन लिया, फिर इन्होंने हमारा पानी छीन लिया, दरियाओं का भी छीन लिया, नगरों का भी छीन लिया, और फिर इन्होंने पूरी की पूरी हमारी हेल्थ भी छीन ली, हमारा स्वास्थ्य भी छीन लिया। क्योंकि आप सुनते हो कि सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट पंजाब में है, आप सुनते हो कि ब्लड प्रेशर के सबसे ज्यादा पेशेंट पंजाब में है। तो फिर फार्मर को ये लगा कि अब जो हमारे पास सिर्फ एक चीज बची है वो है जमीन, वो ये 3 करोड़ लाकर हमारे को बिल्कुल ये लैंडलेस कर देंगे, फार्मर ही नहीं रहेंगे। इसलिए ये 3 करोड़ कितने खतरनाक है, इसके लिए पूरे 3 महीने पंजाब में एक्सरसाइज हुई, एक आंदोलन चला पंजाब का, वो आंदोलन देश के किसी और हिस्से में नहीं था। और इवन हरियाणा में भी हमारा बिल्कुल साफ लगता स्टेट है, उसमें भी यह आंदोलन नहीं था गया। लेकिन जब 26 नवंबर को दिल्ली चलो का स्लोगन दिया, पंजाब की यूनियनों ने प्लस चंडीगढ़ में एक दूसरे जो अपने हिंदुस्तान के अलग अलग फार्मर के ग्रुप है उनको बुला के मीटिंग करके ये साझा है ऐलान किया गया कि 26 नवंबर को दिल्ली चलो। तो वो दिल्ली चलो वाला आंदोलन इतना कामयाब हुआ कि उससे क्योंकि हरियाणा के मतलब हम बीचों बीच में से आ सकते थे दिल्ली को, तो पूरा हरियाणा भी साफ हो गया, पंजाब पूरे का पूरा उखड़ा हुआ और पश्चिमी यूपी भी आ गया।
ज्यादा जो पोल्यूशन हो रही होता पोल्यूशन के और बढ़ेगा है, इसके जरिए दिल्ली में प्रदूषण होता। तो इन बातों को लेकर के किसान आंदोलन आगे बढ़ा और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये रही इस आंदोलन की कि मोदी सरकार ने पूरा टिकला लगा दिया कि इस आंदोलन में वो हिंदू मुस्लिम या हिंदू सिख वगैरह का पाड़ा नहीं पा सकता। चाहे पहले उन्होंने कहा कि ये दहशतवादी है, ये खालिस्तानी है, दुनिया की चार कंपनियां ऐसी हैं
लेना है वो मार्केट से, कोई स्प्रे लेना है वो मार्केट से, और अपनी फसल बेचनी है वो मार्केट को, इसके इसके पास सवाई जमीन के या अपनी लेबर के और कुछ नहीं है। ट्रैक्टर लेना है मार्केट से लो, ट्रैक्टर के कोई इंस्ट्रूमेंट लेना है वो मार्केट से लो, और आपको इस दिनों में देखिए तो वो किसान ने जहां तक बोल दिया कि हम फार्मर को फार्मर नहीं रहने देंगे, हम फार्मर को व्यापारी बनाना चाहते हैं। भैया सारी दुनिया व्यापारी बनती है फिर बचेंगे कैसे, क्योंकि व्यापारी का तो एक ही धर्म है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। ये सिर्फ यही बचा है बात का, जो ज्यादा मुनाफा तो रुपए की नहीं इधर भी उधर भी करता, जो जिसको अन्नदाता क्यों कहा जाता है, जिसके दे होगी तो देता है, क्योंकि सारे गुरुओं ने कहा कि पहली तीन बातें गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाई थी कि नाम जपो, बट किरत करो और बट विश्व। आप लोग नाम जपने में जो खूब टाइम लगाते हैं, किरत बहुत कम करते हैं, और बट के चढ़ने वाली बात को तीसरे चौथे नंबर पर चले। इसलिए अगर हम ऐसी सर्वधर्म और सर्वपंथीय सामाजिक परिषद के प्रोग्राम में बैठे हैं तो नाम जपने से कलेश काम नहीं चलेगा, किरत भी करनी पड़ेगी और फिर बट के भी चढ़ना पड़ेगा, फिर लंगर की प्रथा भी आगे बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए अगर लंगर की प्रथा इस आंदोलन में ना होती तो जय आंदोलन इतने देर स्टैंड नहीं सी करता। दिल्ली में ज्यादातर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ज्यादातर जो लंगर वाले अब तक आंदोलन थे, खास करके जो जंतर मंतर पे लगते थे, वो गुरुद्वारा बंगला साहब की लंगर की सेवा से ही चलते थे, वो हमारे आम लोगों के बल बूते नहीं सी चलता। इसलिए जब हम ऐसी सभा में बैठे हैं तो हम जो नाम जपने वाले लोग हैं आप इनको इस आंदोलन में आना पड़ेगा और इस आंदोलन को बड़ा करना पड़ेगा। और देर दोनों का थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान में भी चला गया है, जो पंजाबी पाकिस्तानी है वो हमारा समर्थन करते हैं, चाहे वो गीत गा के करे, चाहे वो गजल गा के करे, चाहे वो हमारे मतलब फिल्म में कुछ भी करे, वो करते रहते हैं, कोई चुटकुले चला के कर देते हैं, कोई छोटी छोटी लघु फिल्में भी हमारे को बना के भेजते हैं, वो भाई हमारे साथ है। और ये एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि श्रीलंका में अब जे श्रीलंका की सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि हम अब जे जहरा वाली खेती नहीं होने देंगे, नहीं करके करेंगे, हमारा देश नहीं करूंगा, वो कहते हैं हम प्राकृतिक खेती करेंगे। इसलिए हमें प्राकृतिक खेती की तरफ आना पड़ेगा, इस कसम जो हमारी खेती का जो चल रहा है मॉडल इसको बदलना पड़ेगा, इसके निगमों को बदलना पड़ेगा, इसके कानूनों को बदलना पड़ेगा, और फिर तब जाके हम एक अच्छे प्रो नेचर प्रोड्यूसर एक समाज की सृजना कर सकते हैं। और अंत में मैं किसान आंदोलन की तरफ से आपको ये कहना चाहूंगा कि अब सिर्फ किसानों की बात मत करो, या ये बात सिर्फ किसानों पर बात करो कि सारा काम आप फार्मर करेंगे, सबको इस समाज के सिस्टम को तब्दील करने में अपना अपना योगदान डालना होगा। क्या डाल सकते हैं हम अपना योगदान? हम डाल सकते हैं एक फार्मूले के तहत। वो फार्मूला क्या होगा? वो फार्मूला होगा कि जो चीज प्रकृति में कुदरत के फेवर में जाती है उसकी सपोर्ट करें, जो चीज कुदरत के खिलाफ जाती है उसका हम विरोध करें, एक पॉइंट। दूसरा, जो चीज मानवता के फेवर में जाती है उसका हम समर्थन करें, जो चीज मानवता के खिलाफ जाती है उसका हम विरोध करें। यानी कहने का मेरा मतलब यही है कि जो प्रो नेचर और प्रो ह्यूमन चीजें हैं उनकी सपोर्ट में डट के खड़ जाओ, चाहे घर बैठे ही खड़ो, और जो चीज एंटी नेचर और एंटी पीपल है उनके खिलाफ डट के खड़ो, चाहे घर बैठे ही खड़ो। और जो कंपनियों का माल खरीदना बंद करो, मेरे को बहुत अखबार लग रहा था जब ये पानी की बोतलें जब्त की जा रही थी, ये बिजली किसकी कंपनी है? ये तो अमेरिका की कंपनी है। अमेरिका की कंपनी देखो अपने ही पानी भर के 2 रुपए की कॉस्ट वाला पानी 20 रुपए में हमारे को बेची जा रही है और हम खरीद रहे हैं। क्या हमारे में ये चेतना नहीं आएगी कि हम अपना पानी, अपनी धरती का पानी, अपनी नदी का पानी, अपना ग्राउंड वाटर खुद क्यों नहीं पहले जैसे लोटा देते थे लोटे से सर्व कर सकते? ये क्यों पूछ रहे थे ना मैडम?
किसान नेता सुखदेव सिंह जी जिन्होंने खुला ऐलान किया कि ये जो जन आंदोलन बन चुका है ये आंदोलन केवल राष्ट्रव्यापी नहीं है, ये आंदोलन विश्वव्यापी बन चुका है और पाकिस्तान तक इसकी लहर आ गई है। पाकिस्तान और श्रीलंका, श्रीलंका भी अभी किसान के मध्य में उतरे हैं, इसलिए उन्होंने आह्वान किया कि सभी साथी हैं ये सिस्टम चेंज करने के लिए सभी इकट्ठा होकर संघर्ष करें और ये चालीस व्यवस्था को उलट दें।